नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज मैं इस वीडियो में आपको मैकडोनाल्ड्स की फ्रेंचाइजी से संबंधित कुछ जानकारियां बताऊंगा। दोस्तों अगर आप रेस्टोरेंट का बिजनेस करना चाहते हैं तो आपके पास ये बेहतरीन मौका है। दुनिया की सबसे बड़ी फास्ट फूड रेस्टोरेंट चेन मैकडोनाल्ड्स की फ्रेंचाइजी लेकर आप करोड़ों रुपए तक कमा सकते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि भाई इसके लिए करना क्या होगा, तो आइए हम आपको बताते हैं कि इसकी फ्रेंचाइजी के लिए कहां आवेदन करना है और कितना रुपया खर्च आएगा और इसमें कितनी कमाई होगी। तो आइए दोस्तों पहले हम ये जान लेते हैं कि मैकडोनाल्ड्स की चेन कितनी बड़ी है। मैकडोनाल्ड्स दुनिया की सबसे बड़ी फास्ट फूड रेस्टोरेंट के तौर पर गिना जाता है। दुनिया भर में 118 से ज्यादा देशों में मैकडोनाल्ड्स के 36,000 से ज्यादा रेस्टोरेंट है। मैकडोनाल्ड्स की शुरुआत 1940 में रिचर्ड और मैरिस मैकडोनाल्ड्स ने की थी। इस फास्ट फूड रेस्टोरेंट के दुनिया भर में फैले रेस्टोरेंट में रोजाना ग्राहकों की संख्या करीब 7 करोड़ होती थी। जी हाँ दोस्तों 7 करोड़। मैकडोनाल्ड्स ब्रिटेन के प्रति वर्ष करीब 30 लाख ग्राहकों को डील करता था। तो आइए अब जान लेते हैं कि मैकडोनाल्ड रेस्टोरेंट आप कैसे खोल सकते हैं। मैकडोनाल्ड साल 1955 में फ्रेंचाइजी मॉडल पर काम किया करता था। आप भी इस रेस्टोरेंट की फ्रेंचाइजी लेकर करोड़ों रुपए की कमाई कर सकते हैं। अगर आपको भारत में इस रेस्टोरेंट की फ्रेंचाइजी लेनी है तो इसके लिए डेवलपमेंट लाइसेंस लेना होगा। भारत में कंपनी डायरेक्ट फ्रेंचाइजी नहीं देती, इस चीज का आप विशेष ध्यान रखिएगा। इसके लिए कंपनी से पूरे भारत में फ्रेंचाइजी देने के लिए 2 कंपनियां नियुक्त की हुई है। दोस्तों मैकडोनाल्ड की फ्रेंचाइजी आप 4 तरीके से खोल सकते हैं। ट्रेडिशनल रेस्टोरेंट, सेटेलाइट लोकेशन, STO एंड STR लोकेशन और BFL फ्रेंचाइजी के तरीके से आप रेस्टोरेंट को आराम से खोल सकते हैं। भारत में 2 कंपनियां मैकडोनाल्ड की फ्रेंचाइजी का लाइसेंस देती हैं। जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि मैकडोनाल्ड पिछले 15 सालों से फास्ट फूड रेस्टोरेंट की चेन में ब्रांड लीडर बनी हुई है। मैकडोनाल्ड की इंडिया में फ्रेंचाइजी लाइसेंस की 2 कंपनियां हैं। अगर आपको पश्चिम भारत और दक्षिण भारत में रेस्टोरेंट खोलना है तो आपको हाई कैस्टल रेस्टोरेंट प्राइवेट लिमिटेड से संपर्क करना होगा। वहीं अगर आपको उत्तर भारत और पूर्वी भारत में रेस्टोरेंट की फ्रेंचाइजी लेनी है तो आपको कनाट प्लाजा रेस्टोरेंट प्राइवेट लिमिटेड से संपर्क करना होगा। मैकडोनाल्ड्स रेस्टोरेंट की जो फ्रेंचाइजी होती है वो पूरी 20 साल के लिए होती है। दोस्तों अब जान लेते हैं कि FDD डॉक्यूमेंट्स क्या है। फ्रेंचाइजी लेने से पहले आप इसको अच्छे तरीके से पढ़ें। इस डॉक्यूमेंट में आपको सारे नियम और तरीके समझाए गए हैं। फ्रेंचाइजी लेने के लिए आपके पास कितनी जगह होनी चाहिए, आप किस तरीके से आपको ट्रेनिंग मिलेगी, ये सारी जानकारियां इस डॉक्यूमेंट में होती है। FDD को आप गूगल से डाउनलोड भी कर सकते हैं। ये आपके लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है कि आप इसको गूगल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपके पास पहले से ही कोई रेस्टोरेंट है और आप ये सोचते हैं कि भाई मेरे पास तो ऑलरेडी पहले से रेस्टोरेंट है, मैं कैसे मैकडोनाल्ड्स को लूं, तो दोस्तों मैं बताना चाहूंगा कि अगर आपके पास पहले से ही कोई रेस्टोरेंट है तो आप इसे मैकडोनाल्ड्स में कन्वर्ट भी करा सकते हैं। मैकडोनाल्ड की फ्रेंचाइजी लेने के लिए 6 से 14 करोड़ का इन्वेस्ट होना चाहिए। इस चीज का विशेष ध्यान रखें कि मैकडोनाल्ड्स की अगर आपको फ्रेंचाइजी लेनी है तो 6 से 14 करोड़ का इन्वेस्ट होता है। वहीं आपके पास 5 करोड़ का लिक्विड कैपिटल भी होना चाहिए। कैपिटल के अलावा आपको 30 लाख की फ्रेंचाइजी की फीस देनी होगी। आपके रेस्टोरेंट के कुल बिक्री का 4% सर्विस फीस के रूप में देना होगा। मैकडोनाल्ड्स की फ्रेंचाइजी लेने के बाद करीब 2 से 3 साल में ब्रेक इवन दिखने लगेगा। ब्रेक इवन का बोले तो आपको इसका फायदा दिखने लगेगा। रेस्टोरेंट को आप 4 लोकेशनों पर खोल सकते हैं। ट्रेडिशनल रेस्टोरेंट, इसके लिए फूड कोर्ट, स्टोर फ्रूट लोकेशन आदि शामिल होते हैं। ट्रेडिशनल रेस्टोरेंट के लिए आपको 20 साल की फ्रेंचाइजी मिलती है। सैटेलाइट लोकेशन, सैटेलाइट लोकेशन में रिटेल स्टोर, एयरपोर्ट, कॉलेज, हॉस्टल जैसी लोकेशनें शामिल होती हैं। मतलब आपके पास इन लोकेशनों के आसपास भी जमीन होना बहुत ही जरूरी है। अगली लोकेशन है दोस्तों STO एंड STR लोकेशन। इसमें छोटे शहरों के रिटेल स्टोर, पेट्रोल पंप के कंपाउंड्स और उसके आसपास की जगह शामिल होती है। STO एंड STR लोकेशन के लिए भी आपको 20 साल की फ्रेंचाइजी मिलती है। अगला आता है BLF फ्रेंचाइजी। इसमें आपके पास कॉर्पोरेट ऑफिस के कंपाउंड। इस फ्रेंचाइजी में आपके पास एक ऑप्शन भी यह है कि अगर आपके पास पहले से कोई रेस्टोरेंट है
तो आप इसको मैकडोनाल्ड्स में कन्वर्ट भी करा सकते हैं। रेस्टोरेंट की फ्रेंचाइजी खोलने के लिए जमीन के दो विकल्प हैं। पहला, आपके पास अपनी जमीन हो। अगर अपनी जमीन नहीं है तो घबराने की जरूरत नहीं है। ऑपरेटर लीज के तहत मैकडोनाल्ड्स फ्रेंचाइजी को 11 महीने की लीज पर भी जगह मुहैया की जा सकती है। पहला, आपके पास जमीन अपनी हो। अगर जमीन नहीं है तो घबराने की जरूरत नहीं है। ऑपरेटर लीज के तहत मैकडोनाल्ड्स फ्रेंचाइजी को 11 महीने की लीज पर जगह मुहैया कराती है। तो दोस्तों, ये थी मैकडोनाल्ड्स की कुछ मुख्य जानकारियां। तो उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ऐसी ही कुछ जानकारियां लेके मैं फिर हाजिर रहूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।